टुडे आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या चीज़ है? फ्लोरेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन आप उसे पहले देखिए कि जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज फ्लोरेसेंस, उसके बैकग्राउंड पे ईंटों की बनी हुई एक दीवार है। इस बैकग्राउंड पे फोकस कीजिए। इस पे क्या दिखाया गया है? मैंने इस पे दिखाया है कि ईंटों की बनी एक दीवार है और उसके ऊपर साल्टिश लेयर्स बनी हुई हैं, वाइट कलर की लेयर बनी है कुछ ईंटों के ऊपर। ये वाइट कलर की अपेरेंस क्यों नज़र आती है हमें? हमने बहुत सी देखा है कि घर बनते हैं, दीवारें बनती हैं और उसके कुछ अरसे के बाद ही ये जो है नमकियात की एक लेयर हमें नज़र आ रही होती है वाइट कलर की। लेकिन वाइट कलर की अपेरेंस क्यों आती है? ये वाइट कलर की अपेरेंस फ्लोरेसेंस ही की वजह से आ रही होती है। अब हम समझेंगे फ्लोरेसेंस है क्या। ये फिनोमिना हमें आम ज़िंदगी में नज़र आता है, जहाँ जहाँ ईंटों की दीवार बनती है या कोई भी अब सीमेंटेड भी दीवार बनती है उसके ऊपर भी वाइट कलर का हमें एक कोट नज़र आता है, वाइट कलर की एक लेयर नज़र आती है, जिसको अमूमन हम कहते हैं कि ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन, वो उस मटेरियल की ईंटों की फॉर्मेशन के दौरान, ईंटों के बनने के दौरान जब उनकी उसकी फॉर्मेशन आ रही होती है, उस मटेरियल के अंदर कुछ ऐसा साल्टिश मटेरियल ऐड हो जाता है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है। जब पानी में डिजोल्व हो जाता है उसके बनने के कुछ दिन के बाद इन्वायरमेंटल जैसे ही चेंजिंग उसे फेस करनी पड़ती है, ड्राई हो रही होती है वो वॉल। ड्राई होने के साथ साथ वाटर तो एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन एवेपोरेशन के पीछे वो छोड़ जाता है साल्ट, और ये साल्ट वाइट कलर का हमें कोट की सूरत में नज़र आता है उस दीवार के ऊपर। इसी फिनोमिना को हम समझते हैं, और ये फिनोमिना अमूमन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी पे भी को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है अगर उन्हें एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर ना करें, या फिर जब उसके जो है वाटर लॉस का फिनोमिना उसके अंदर देखा जाए, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना देखा जाए, वहाँ पे भी ये इफ़ेक्ट करता है। इसको जानने का मकसद क्या है हमारा, ये हम आगे स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले समझेंगे फ्लोरेसेंस खुद क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया वॉल्स के ऊपर ईंटों के ऊपर वाइट अपेरेंस दिखाई गई है, व्हाट इज फ्लोरेसेंस का हम इसी से समझेंगे। फ्लोरेसेंस इज द लॉस ऑफ वाटर और अ सॉल्वेंट, वाटर का लॉस हो या सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट का लॉस हो, फ्लोरेसेंस इज अ लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड साल्ट टू द एटमोसफेयर ऑन एक्सपोजर टू द एयर। किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्ट डिजोल्व हुआ है, हल हुआ होता है साल्ट, तो होगा क्या? फ्लोरेसेंस इज अ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स में से वाटर जो है लॉस हो जाएगा फ्रॉम द हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड साल्ट्स टू बी टू द एटमोसफेयर ऑफ ऑन अ एक्सपोजर ऑफ द एयर। कहाँ पे एवेपोरेट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा? एनवायरमेंट में हो जाएगा। द वाटर विद द साल्ट नाउ हील्ड इन अ सोल्यूशन माइग्रेट टू द सर्फेस then evaporate leaving a coating of the salt। water तो evaporate हो गया, then जो उसमें dissolved salt था उसका एक coat ले जा रहता है, वो migrate होकर transfer होकर surface के ऊपर आ जाता है जिस भी material के अंदर वो मौजूद है। water evaporate हो गया, पीछे जो है leaving a coat of the salt, वो पीछे एक कॉट छोड़ जाता है, एक लेयर छोड़ जाता है, एक तह छोड़ जाता है salt की एक तह रह जाती है, पीछे water evaporate हो जाता है, क्योंकि वाटर उस सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ होता जिस भी मटेरियल में हम, जिस तरह ईंटों की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन के दौरान में कोई ऐसा मटेरियल उसमें यूज़ हुआ जिसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट डिजोल्व हुआ होता, लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन के बाद जब वो बन गई दीवार और ड्राई होने लगा तो वाटर तो एटमोसफियर में एवेपोरेट हो गया, लेकिन पीछे जो उसमें सॉल्ट डिजोल्व हुआ होता, सॉल्ट में नेचर नहीं थी कि वह एवेपोरेट हो सकता, तो इसने एक तह बना दी उस दीवार के ऊपर वाइट कलर की। लाइक एग्जांपल इसमें दी गई है जिप्सम दिखाया गया है, जिप्सम की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, और ये जो वाइटिश कलर की लेयर्स पाउडर की एक तह नज़र आ रही है, आप समझें ये पीछे रह जाने वाला सॉल्ट मटेरियल है जो कि पानी के अंदर पहले हलशुदा था, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर अब ये वाटर एवेपोरेट हो गया और पीछे से वो सिर्फ साल्टिश लेयर छोड़ गया है दीवार के ऊपर। फ्लोरेसेंस को अगर हम जर्नली समझें क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को इस फिनोमिना को समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी। अब क्या है कि फ्लोरेसेंस को अगर हम समझें, फ्लोरेसेंस की मीन्स क्या है? फ्लोरेसेंस मीन्स टू फ्लावर आउट, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है फ्लावर आउट, इन अ फ्रेंच इज द माइग्रेशन ऑफ द सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द पोरस मटेरियल।
माइग्रेशन का मतलब होता है कि मुंतकिल होना, जो साल्ट है, नमकियात, वो मुंतकिल हो जाता है पोरस मटेरियल की सरफेस के ऊपर, पोरस मटेरियल के ऊपर आ जाता है सॉल्ट मटेरियल ट्रांसफ़र होकर, वेयर इट फॉर्म्स अ कोटिंग, जहाँ पे वो एक तह बना देता है। कोटिंग मीन्स यहाँ पे एक तह बना देगा, उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। तो फ्लोरिसेंस का मतलब है फ्लावरिंग आउट, जिसको फ्रेंच में हम ले रहे होते हैं कि किसी भी पोरस मटेरियल के सरफेस के ऊपर साल्ट ट्रांसफ़र होके आ जाएगा और एक उस पर तह बना देता है। जैसे पीछे वॉल्स के ऊपर वाइट तह हमने देखी है, वाइट साल्ट की तह देखी है। फ्लोरिसेंस इज द लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड और सोल्वेटेड सॉल्ट टू द एटमोसफियर। फ्लोरिसेंस क्या है? फ्लोरिसेंस इज द लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड और सोल्वेटेड सॉल्ट टू द एटमोसफियर, so that the equilibrium is formed between the hydrated substance and the surrounding of atmosphere. पहला पॉइंट इसके अंदर क्या बताया गया है, फ्लोरिसेंस जो है इज द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मीन्स क्रिस्टल्स से वाटर का निकल जाना, क्रिस्टल से वाटर का आप कहते हैं लॉस हो जाना। तो लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ हाइड्रेटेड सोल्वेटेड और सोल्वेटेड सॉल्ट, किसमें से? इस तरह के हाइड्रेटेड मटीरियल या पानी में हलशुदा जिसके सॉल्ट्स, उनके क्रिस्टल्स में से पानी का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एवेपोरेट हो जाएगा उनका वाटर, सिर्फ पीछे साल्ट रह जाएगा, ठीक है, पीछे सिर्फ साल्ट रह जाएगा। सो डेट एन इक्विलिब्रियम इज़ फॉर्म, और इक्विलिब्रियम फॉर्म होगी वाटर इन्वायरमेंट के दरमियान में और उस प्रोडक्ट के दरमियान में जहाँ से वो एवेपोरेट हो रहा है पानी। द हाइड्रेटेड सब्सटेंस, इक्विलिब्रियम कहाँ पे क्रिएट होगी? इक्विलिब्रियम इज़ formed between the hydrated substance and a surrounding, ठीक है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड सराउंडिंग एटमोसफेयर के दरमियान में इक्विलिब्रियम क्रिएट होगी। क्योंकि जब वाटर का कंटेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा और आपके इन्वायरमेंट में कम होगा, उस वक्त इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो रहे, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वाटर ज़्यादा है और आपके इन्वायरमेंट के अंदर नमी का तनासुब कम है। जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्रिएट करने के लिए क्या है, पानी इन्वायरमेंट में शामिल हो जाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट कम है और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, देन आपकी प्रोडक्ट जस्प कर लेती है पानी को, क्योंकि उसके अंदर पानी कम है और बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। लेकिन अगर बाहर के एनवायरनमेंट में पानी कम है और अब जो है आपके पास जो प्रोडक्ट मौजूद है उसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है, देन वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, मुतवाजन रखने के लिए उस माहौल को करती क्या है, वो अपना पानी एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देती है। यहाँ पर भी यही बताया गया है, यहाँ पर सो डेट एन इक्विलिब्रियम इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड अ सराउंडिंग एटमोसफेयर। हो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। इफ फ्लोरिसेंस स्पोंटेनियसली लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, मींस वो सॉल्ट जिसके अंदर पानी मौजूद है, हाइड्रेटेड सॉल्ट विच अकर्स व्हेन अ इक्वस वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर इन अ एयर। किस सूरत में होगा? जब इक्वस वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड वेपर प्रेशर जो हाइड्रेटेड साल्ट का अगर ग्रेटर है, ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर इन अ एयर, एयर के पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर से ज़्यादा है, देन ये फिनोमिना देखने में आता है। फ्लोरिसेंस को अगर हम एक्सप्लेनेशन इसकी समझें तो एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे कि दे आर लार्ज, हम कहते हैं द नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म। बहुत से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें पानी होता भी है, और बाज़ दफ़ा ऐसे भी हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि पानी एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर उनके अंदर पानी का कंटेंट कम है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी प्रोडक्ट के अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है और आपके एटमॉस्फेयर में कम होता है। डिफरेंट किस्म के फिनोमेनास देखे जाते हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर। अगर हम हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर की बात करें, इन हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर of molecules attached to the compound are called the water of crystallization. Means अगर हम कहें कि in hydrated form of water of molecule attached to the compound are called of the water of crystallization, किसी compound के साथ जो है पानी का molecule attached होगा, then हम ये crystals के साथ पानी के साथ molecules attached होते हैं तो हम कहते हैं water of crystallization. ठीक है, in hydrated form of water molecules attached to the compound are called water of crystallization. The surrounding atmosphere also has a vapor and definite vapor pressure. आपका जो surrounding atmosphere
एटमॉस्फेयर है वो वेपर्स रखता है, उसके अंदर बहुत से ऐसे नमी के बुखारात होते हैं, हम कहते हैं पानी के बुखारात होते हैं, नमी का तनासब मौजूद होता है। हमारे इर्द गिर्द के जो फिज़ा है उसमें भी कुछ ना कुछ कंटेंट वाटर का मौजूद होता है, वो भी उसमें भी नमी मौजूद होती है, वेपर्स की सूरत में होती है, गैसियस फॉर्म में वाटर मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। तो वेपर्स जो हैं वो वाटर के गैसियस फॉर्म है। द सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ अ वेपर एंड डेफिनेट वेपर प्रेशर। अगर उसमें वेपर्स मौजूद हैं देन वो वेपर प्रेशर भी है, डेफिनेट वेपर प्रेशर भी मौजूद होता है। वेपर प्रेशर में जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो भी मौजूद है ड्यू टू द वाटर इन अ एटमॉस्फेयर। किस वजह से? क्योंकि वाटर हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर वाटर की कंटेंट है, गैसियस फॉर्म में बेशक हो वो, तो गैसियस फॉर्म है तो देन वो वेपर्स फॉर्म है, मीन्स वाटर तो है हमारे इन्वायरमेंट में और वही वेपर प्रेशर क्रिएट करता है डेफिनेट किस्म का। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज़ ग्रेटर, अगर वेपर प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट में ग्रेटर है, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज़ ग्रेटर, अगर वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड सब्सटेंस ग्रेटर है देन द सराउंडिंग ऑफ एटमोसफियर, अगर हाइड्रेटेड सब्सटेंस जो सब्सटेंस हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है किससे? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से, देन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस लोसेस वाटर, यानी कि क्योंकि उसके अपने अंदर पानी ज़्यादा है और आप उसके माहौल के इर्द गिर्द के माहौल के अंदर पानी का तनासुब कम है, देन वो अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको पानी देने की कोशिश करेगा, अपने एटमॉस्फेयर में पानी को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है देन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस लोस द वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम लेस हाइड्रेट्स, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करनी है, तवाजुन कायम करने की कोशिश करनी है, देन वो अपना पानी को इन्वायरमेंट में शामिल कर देगा और लेस हाइड्रस हो जाएगा। एंड टू मेक अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस एंड द एटमॉस्फेयर। अब आपको ये फिनोमेना समझ में आया कि एक्सप्लेनेशन एफ्लोरिसेंस का मकसद क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल करना चाह रही होती है एज़ कम्पेयर टू वो आप इन्वायरमेंट के, अगर इन्वायरमेंट में वाटर कंटेंट कम है और उस प्रोडक्ट में ज़्यादा है, उस सब्सटेंस में ज़्यादा है, देन वो अपना वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट करना चाह रही है वो। एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में अब देखें एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरेसेंस सब्सटेंस, बोरैक्स यहाँ पे दिखाया गया है, बोरैक्स हाइड्रेटेड सब्सटेंस दिखाया है, इसके साथ ही फिर डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दिखाई जिनके साथ 10 मॉलिक्यूल्स सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिखाया है, एंड इसके साथ ही 10 मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं वाटर के, ये देखिए 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ, वो जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, डिफरेंट एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हैं, H2O वाटर के मॉलिक्यूल को जाहिर कर रहा है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस को जाहिर करता है। देन हम ये कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के सारे अगर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, लूजेस 9 वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एंड देन बिकम कम्प्लीटली एनहाइड्रस, 9 मॉलिक्यूल्स वो अपना पानी के जो है दे देगा इन्वायरमेंट को एंड देन बिकम कम्प्लीटली एनहाइड्रस, और फिर वो बिल्कुल ही एनहाइड्रस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे ये देखिए ये फिनोमेना दिखाया गया है, इधर ये फिनोमेना दिखाया गया है जिसके अंदर ये शो हो रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर अटैच हैं, फ्लोरेसेंस का अमल हुआ और उन्होंने 9 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर दिए अपने अंदर से, 9 मॉलिक्यूल्स जब रिलीज़ कर देगा वो और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो रह जाएगा पानी का, उसके बाद वो कम्प्लीटली एनहाइड्रस हो जाएगा, कम्प्लीटली फिर वो एनहाइड्रस हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जैसे दिखाया गया कम्प्लीटली वो एनहाइड्रस हो गया, कम्प्लीटली एनहाइड्रस हो जाएगा उस वाटर मॉलिक्यूल को, जो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स रहा है उसको भी एनवायरनमेंट में देने के बाद। अब प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे भी एक तस्वीर दिखाई गई है, वो भी आप देखिए, ये तस्वीर में दिखाया गया है फिनोमेना, जैसे अगर हमारे पास सब्सटेंस है उसमें वाटर कंटेंट भी मौजूद है और साल्ट भी, कुछ सॉलिड साल्ट भी मौजूद हैं, अगर एक्वस ड्रॉपलेट्स ब्लू कलर से दिखाया है, अगर वाटर इससे रिलीज़ होगा, वाटर इससे रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ एरो है, मीन्स वाटर उससे रिलीज़ हो रहा है, देन इफ्लोरिसेंस का फिनोमेना यहाँ पे देखा गया है, और हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो एनहाइड्रस फॉर्म में हो सकता है। हम इसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, इस फिनोमेना को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फ्लोरेसेंस अगर हम कहें तो, फ्लोरेसेंस आर लूज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्लोइंग वेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन से पानी के जो
रिलीज़ हो जाता है पानी, उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएट आफ्टर द यूज़। आप जैसे ही इस्तेमाल करें उस प्रोडक्ट के कंटेनर को जल्दी से बंद कर दें। अगर आपने उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया तो जो इन्वायरमेंट है वो उस पर इफेक्ट करने लेगा और वो फ्लोरेसेंस का फिनोमेना स्टार्ट कर देगा। तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है फ़ौरन से कंटेनर को बंद कर देना है, अदरवाइज फ्लोरेसेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसमें। बाय फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो डेट नो स्पेस ऑफ एयर स्टोरेज इज़ अवेलेबल अबव द लिक्विड इन अ कंटेनर। जब आप फिल कर रहे हैं उस कंटेनर को ड्यूरिंग फिलिंग प्रोसेस, जब आप फिल कर रहे हैं कंटेनर को तो उसके ऊपर इतने एयर स्टोरेज की स्पेस ना रखें या एयर स्टोरेज ना होने दें उसके अंदर, अदरवाइज क्योंकि एयर जाएगी देन यही फिनोमेना दोबारा से क्रिएट होने लगेगा। फिलिंग ऑफ द कंटेनर कम्प्लीटली सो डैट नो स्पेस ऑफ द एयर स्टोरेज इज़ अवेलेबल अबव द लिक्विड इन अ कंटेनर। अगर लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आप एयर स्टोरेज की स्पेस ना छोड़ें, अदरवाइज फ्लोरेसेंस होने का खतरा हो सकता है। इस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रिवेंट कर क्यों रहे हैं फ्लोरेसेंस से, ताकि हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ी रहे, स्टेबल रहे जब तक वो कंज्यूमर इस्तेमाल ना कर ले। अगर फ्लोरेसेंस का फिनोमिना हो गया तो हो सकता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचे, उसकी अपेरेंस को नुकसान पहुंचे। जैसे मैंने आपको दिखाया ना ईंटों से बनी दीवार है, अब ईंटों से बनी दीवार पर अगर वो लेयर आ जाती है तो वो एक अच्छा अपेरेंस नहीं देती, एक अच्छा अपेरेंस नहीं दे रही होती। मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे मटेरियल में कोई ख़राबी थी। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होते हैं। इसी तरह अगर प्रोडक्ट में ही देखने में आएगा किसी भी प्रोडक्ट में, देन कंज्यूमर यकीन उसकी स्टेबिलिटी पर सवाल उठाएगा। तो इसलिए हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये फिनोमेना अमूमन देखने में ना आए। तो हम क्या करेंगे, बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएट आफ्टर द यूज़, फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो डेट नो स्पेस ऑफ द एयर स्टोरेज अवेलेबल अबव द लिक्विड इन अ कंटेनर। इसके अलावा हम क्यों प्रिवेंट करना चाह रहे होते हैं, इसलिए भी प्रिवेंट करना चाह रहे होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट जो है एनवायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है देन कंपोजिशन भी चेंज हो सकती है प्रोडक्ट की। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो कि उसमें वाटर कंटेंट हो, उस केमिकल की रिक्वायरमेंट हो कि उसमें वाटर कंटेंट हो, देन वो एक्टिविटी शो करेगा। अगर फ्लोरेसेंस का फिनोमिना हो गया और उसने वाटर सारा का सारा रिलीज़ कर दिया देन उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी केमिकल कंपोजिशन दोनों ही चेंज होने का खतरा है। इसलिए हम फ्लोरेसेंस के फिनोमिना को प्रिवेंट करने के लिए जो है इस तरह के कंटेनर यूज़ करते हैं कि या तो इमीडिएट उस कंटेनर को यूज़ करने के बाद हम टाइटली बंद कर दें, या फिर उसके ऊपर इस तरह की स्पेस ही ना छोड़ें कि ये फिनोमिना एयर वहाँ जाके स्टोर हो, ये फिनोमिना स्टार्ट हो। ये इस आगे हम चलते हैं, एक और प्रोसीजर है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन क्या चीज़ है, एग्जीक्यूशन अमूमन कहते हैं एग्जीक्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय हीटिंग एंड मेकिंग देम लेस हाइड्रस और एनहाइड्रस। एग्जीक्यूशन में भी इसी तरह फ्लोरेसेंस की ही तरह वाटर तो रिमूव हुआ, लेकिन वाटर रिमूव करने के लिए हीट का प्रोसीजर अप्लाई हुआ है, हीट प्रोसेस अप्लाई हुआ है। तो एग्जीक्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय हीटिंग। हीटिंग की प्रोसेस को अप्लाई करते हुए ये फिनोमेना देखने में आया है एंड मेकिंग देम लेस हाइड्रस और एनहाइड्रस। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर पानी का कंटेंट कम होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, या फिर एनहाइड्रस भी हो सकते हैं, पानी यानी कि बिल्कुल ही रिलीज़ हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट में से। लेकिन यहाँ पे हीटिंग का अमल होगा, एग्जीक्यूशन में हीटिंग का अमल होगा। हम कह सकते हैं ये हीट प्रोसेस है एग्जीक्यूशन, जबकि हम पहले जब फ्लोरेसेंस देख रहे थे उसमें हीट फिनोमेना नहीं था। इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए वो एनवायरनमेंट खुद खुद ही रिलीज़ कर रहा था, चाहे उसे हीट मिले या ना मिले, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो सारा काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हीट प्रोसेस अप्लाई है बाय हीट के जरिए, जैसे हीट मिलती है इस प्रोडक्ट को तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है और हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है लेस हाइड्रस हो जाएंगे या फिर एनहाइड्रस हो जाएंगे। इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव बाय हीटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं बाय हीटिंग। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट हाइड्रेटेड मटेरियल्स इनटू द अनहाइड्रेटेड मटेरियल्स। हम हाइड्रेटेड मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं अनहाइड्रेटेड मटेरियल्स में, मीन्स पानी रिलीज हो गया और हाइड्रेटेड मटेरियल उसमें पानी मौजूद है। हाइड्रा अमूमन पानी को जाहिर कर रहा होता है, हाइड्रेटेड मटेरियल में पानी मौजूद है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्रेटेड मटेरियल्स में ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन।
अगर इस पर हीट अप्लाई की जाए। आफ्टर द रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल द ऑब्टेंड मटेरियल इज कॉल्ड एग्जीकेटिव मटेरियल। इसके बाद जो मटेरियल हमें हासिल होगा वो एग्जीकेटिव मटेरियल कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखाई है मैग्नीशियम सल्फेट की। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके साथ ही 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हुए हैं, 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं। लेकिन जैसे ही इसे हमने हीट दिया तो हीट देने के नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो था मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे ये हमें अनहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हमें हासिल हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एग्जीकेशन के प्रोसेस से आया है, क्योंकि इसके अंदर हीट फिनोमेना अप्लाई हुआ है। अगर प्रोसीजर कौन सा अप्लाई करेंगे हम इसके लिए, प्रोसीजर टेक मटेरियल इन अ चाइना डिश, लेप के अंदर अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम एक चाइना डिश लेंगे एंड हीट इट, उसे हीट करेंगे, उस पर हीट अप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी बर्नर के ऊपर रख देंगे या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे हम उसे हीट दे सकते हो। वेरियस मेथड ऑफ हीटिंग इज़ यूज इन लेबोरेटरी, हम लेबोरेटरी में बहुत से मेथड ऑफ हीटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट डायरेक्टली ऑन अ गैस, या तो आप डायरेक्टली हीट का प्रोसीजर अप्लाई करें, या हीट इन अ वाटर बाथ, वाटर बाथ के ऊपर रखते हुए ना उसे हीट अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी प्रोसीजर हमें अप्लाई कर सकते हैं। द वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज एवेपोरेटेड एंड एग्जीकेटेड मटेरियल्स रिमेन इन अ चाइना डिश। वाटर क्रिस्टलाइजेशन एवेपोरेट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो होगा एग्जीकेटेड मटेरियल्स चाइना डिश के अंदर रह जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, समझिए ये हमने यहाँ पे जब हीट फिनोमेना कर लिया, हीट हमने इसे पहले चाइना डिश में ट्रांसफ़र किया, चाइना डिश में हीट फिनोमेना हो गया यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास मटेरियल रह गया। वाटर को एवेपोरेट होने के बाद, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एवेपोरेट होने के बाद, एग्जीकेशन के बारे में अगर थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएं, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, तो हम देखते हैं कि एग्जीकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय द हीटिंग एंड मेकिंग दम लेस हाइड्रस और एनहाइड्रस। ये हमने डेफिनेशन के तौर पर ले लिया। देन अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जीकेटेड सब्सटेंस इंक्लूड एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम दें कौन कौन से सब्सटेंस में ये देखने में आता है मोमन, द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जीकेटेड सब्सटेंस इंक्लूड एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट, एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट हो, एग्जीकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, एग्जीकेटेड सोडियम सल्फेट, एग्जीकेटेड हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, एग्जीकेटेड एलम एंड एनहाइड्रस सोडियम आर्सेनेट। ये तमाम कंपाउंड्स हैं जो इसके नतीजे में बन रहे होते हैं या इनके अंदर ये फिनोमेना देखने में आता है। इन अ लेबोरेटरी एग्जीकेटिंग मे बी कैरिड आउट बाय द टेकिंग अ वेइंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज अ रेड डिश विच इज हीटेड ऑन वाटर बॉथ सैंड बॉथ और इन एन ओवन। आप कोई भी हीट प्रोसीजर्स पे अप्लाई करते हुए चाइना डिश लें, ट्रेड डिश लें, वो लिया हमने वाटर बॉथ पे, आप हीट करें या सैंड बाथ पे या फिर अवन के अंदर विद कंटिन्यूस स्टेयरिंग अंटिल द कांस्टेंट वेट इज़ ऑब्टेंड, तो अंटिल द कैलकुलेट द लॉस ऑफ वाटर हैज़ टू बी टेकन आउट। तो जैसे आप हीट अप्लाई करेंगे, हीट की वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, नीचे आपके पास एनहाइड्रस सब्सटेंस बाकी बचेगा, एग्जीकेटेड कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। कैसे होगा ये फिनोमेना, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट अप्लाई हो रही है तो टेम्परेचर मैटर करता है इट्समें, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिमूव वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, अगर हम कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल लेते हैं, CuSO4 जिसे हम कह रहे थे कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वाटर के, 5 मॉलिक्यूल्स अटैच है समझ लें वाटर के, व्हेन हीटेड एट अबाउट 30 सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही हम उसे 30 सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं, उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड लेके जाते हैं, लॉस द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो हैं रिलीज हो जाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज हो जाएंगे 30 सेंटीग्रेड पे। 800 सेंटीग्रेड इट लॉस 2 मोर मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं पानी के इसके साथ, इस सब्सटेंस के साथ, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया, देखिए 5 मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर सल्फेट के साथ 30 सेंटीग्रेड पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स पानी के रिलीज़ हैं, जबकि 100 सेंटीग्रेड पे अगर हम कहते हैं कि 100 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड पर मज़ीद 2 हो जाएंगे, इट्स मीन टोटल 4 हो गए, 2 30 सेंटीग्रेड पे हुए थे,
और 200 सेंटीग्रेड पे हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए अब तक, एंड द लास्ट वाटर मॉलिक्यूल, अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का रह गया है। इस एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब हम फर्दर हीट अप्लाई करेंगे, वो हीट 200 सेंटीग्रेड हो सकती है, 200 सेंटीग्रेड तक हम हीट अप्लाई करेंगे, देन वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं व्हेन इट इज़ हीटेड एट 200 सेंटीग्रेड दस फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट, हम कहेंगे कि कॉपर सल्फेट के हमें हासिल होगा, ये देखिए ये कॉपर सल्फेट हमें हासिल होगा जब हम 200 सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे। इसकी स्टेप बाय स्टेप है, नेक्स्ट अभी स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आप देखिए पहले स्टेज पे यहाँ पर 30 सेंटीग्रेड अप्लाई हुआ था, ठीक है 30 सेंटीग्रेड तक हमने गर्म किया था, यहाँ पर हमने इसको 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया था, ठीक है हम कह सकते हैं 100 सेंटीग्रेड तक हमने गर्म किया, देन यहाँ पे हमने इसे 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, तो हमें हमारे पास तमाम वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो गए। सिमिलरली फेरस सल्फेट, यही फिनोमिना हम देखने में आता है, ये यहाँ पे हमने डिटेल में समझाया, मैं आपको वन बाय वन समझाती हूँ, ये सिमिलर फिनोमिना फेरस सल्फेट में भी देखने में आता है। FeSO4 7 मॉलिक्यूल इसके साथ वाटर के अटैच हैं, 7H2O 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं इसके साथ, तो फेरस सल्फेट में जब 7 मॉलिक्यूल के साथ वाटर के अटैच होंगे, जैसे ही हम हीट करेंगे व्हेन हीटेड ऑन अ वाटर बाथ लूज 6 मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगा 7 मॉलिक्यूल्स में थे लेकिन जैसे ही इसे हीट मिलेगी ये अपने 6 मॉलिक्यूल पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज कर देगा, लूज कर देगा। बट व्हेन फर्दर हीटेड, लेकिन फिर अगर हम उसे मज़ीद हीट करें, 6 मॉलिक्यूल तो इसने रिलीज कर दिए, अगर हम उसके बाद उसे फर्दर हीट करें, बट व्हेन फर्दर हीटेड टू रिमूव लास्ट मॉलिक्यूल, तो आखिरी जो मॉलिक्यूल इसमें होगा वो भी रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन की तरफ चली जाएगी। ओके हम इसलिए कह रहे हैं कि सिमिलर फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के साथ अटैच है, व्हेन हीटेड ऑन वाटर बाथ लूज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट व्हेन फर्दर हीटेड टू रिमूव लास्ट मॉलिक्यूल डिकम्पोजिशन टेक प्लेस। तो हेंस फेरस सल्फेट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट। यहाँ पे ये फिनोमेना दिखाया गया, पहले इसमें आप ये समझिए, पहले हमने किया 6, हमारे पास 7 मॉलिक्यूल्स थे फेरस सल्फेट के, इसे हीट किया, हीट करने के बाद हमारे पास जो चीज़ हासिल हुई है हमें, उसमें एक मॉलिक्यूल था, ठीक है यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल का हम इसे कह देंगे एग्जीकेटेड फेरस सल्फेट है हमारे पास, अगर हम इसको भी फर्दर हीटअप करें, इस प्रोडक्ट को भी फर्दर हीटअप करें, हम हीट कर रहे हैं उसे फर्दर, देन हमारे पास वो जो एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का वो भी रिलीज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन की तरफ चली जाएगी, मीन्स प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाएगी। अब हमने जो पहला फिनोमिना कॉपर सल्फेट वाला समझा था कि 300 के ऊपर इतने मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, 100 पे फिर फर्दर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे, यही फिनोमिना देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले इक्वेशन के अंदर कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हैं, जब 30 सेंटीग्रेड तक इसे हीट अप किया जाएगा, इसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड तक लेके जाया जाएगा, तो कॉपर सल्फेट से के 5 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, एवेपोरेट हो जाएंगे, और उसके पास सिर्फ 3 मॉलिक्यूल पानी के बचेंगे। कॉपर सल्फेट के पास आप देख रहे हैं सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल पानी के हैं, यहाँ पर ये देखिए 3 मॉलिक्यूल पानी के हैं, जबकि पहले इसके पास 5 मॉलिक्यूल थे पानी के, मीन 30 सेंटीग्रेड तक जब हीट अप किया, 30 सेंटीग्रेड तक जब हीट अप किया तो हमें मिला कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं पानी के रिलीज हो गए। अब सेकंड स्टेप पे आइए, सेकंड स्टेप पे जब हम देखते हैं सेकंड वाले स्टेप पर, तो देखिए यही वाली प्रोडक्ट जब हमने इसे इसको फर्दर हमने हीट किया, यहाँ पे फर्दर हमने हीट किया इसे 100 सेंटीग्रेड तक, पहले हमने इसे 30 सेंटीग्रेड तक हीट किया था, पहले हमने 30 सेंटीग्रेड तक, अब 100 तक कर रहे हैं, अब इधर से भी फर्दर 2 मॉलिक्यूल जो हैं पानी के रिलीज़ हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बचेगा कॉपर सल्फेट के साथ पानी का, ठीक है 1 मॉलिक्यूल हमारे पास कॉपर सल्फेट का बचेगा। अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और फर्दर इसे हीट करेंगे 200 सेंटीग्रेड तक, अगर हम इसे हीट करते हैं इस वाली प्रोडक्ट को हम 200 सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, देन हमारे पास जो है एंड के अंदर जो प्रोडक्ट बचती है उसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा,
बल्कि कॉपर सल्फेट हमारे पास बाकी बचेगा 200 सेंटीग्रेड के बाद। तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है पानी के वो रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में 200 सेंटीग्रेड के बाद, अगर हम 200 सेंटीग्रेड अप्लाई कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटेड साल्ट आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक। अभी हमारे पास एग्जीक्यूटेड साल्ट हासिल हो गया है, ये जो हमारे पास हासिल हुई है प्रोडक्ट, ये एग्जीक्यूटेड साल्ट है। एग्जीक्यूटेड साल्ट अगर हम कहें कि एग्जीक्यूटेड साल्ट जो है आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है ये साल्ट, सो मस्ट बी स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर, क्योंकि इसमें से पानी रिलीज हो चुका है और कोई भी मॉलिक्यूल इसके पास नहीं है। अब ये क्या चाहेगा जब हम इसे स्टोर करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास अब पानी कम हो गया है और इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है, क्योंकि इसने तमाम का तमाम इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया। अब इसके पास कोई मॉलिक्यूल नहीं है पानी का, तो इसे जहाँ पे भी पानी अब नज़र आएगा इन्वायरमेंट में, नमी महसूस होगी, तो ये कोशिश करेगा कि अब प्रोडक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में इस फिनोमिना को रोकने के लिए कि बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो पानी या एब्जॉर्ब ना हो, हम एक ही सॉल्यूशन अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग पैकेजिंग। अगर कोई हम एक्सीपिएंट डालें इसके लिए, वो एक अलहदा फिनोमिना है, लेकिन अगर पैकेजिंग के दौरान हमने क्या ख्याल करना होता है इस तरह की प्रोडक्ट में, पैकेजिंग के दौरान हमने उसे स्टोर करना होता है टाइट कंटेनर। पैकेजिंग के दौरान टाइट कंटेनर में यूज़ करेंगे। अगर एक्सीपिएंट्स को यूज़ करें, एडिटिव्स यूज़ करें इस फिनोमिना को रोकने के लिए, तो वो एक दूसरी कंपोजिशन की तरफ चला जाएगा, लेकिन पैकेजिंग में हमने टाइट कंटेनर लेने हैं ताकि हम मेंटेन रख सकें, स्टेबल रख सकें अपनी प्रोडक्ट को। तो हम हमारी कोशिश होगी हम टाइट कंटेनर लें ताकि हाइग्रोस्कोपिक फिनोमिना को हम कंट्रोल कर सकें। एग्जीक्यूशन कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, एग्जीक्यूशन इज़ डन टू गेट एनहाइड्रस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन अ फॉर्मूलेशन ऑफ सर्टन मेडिकामेंट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मेडिकामेंट्स के जब हमें एनहाइड्रस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हम एग्जीक्यूशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें एनहाइड्रस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम खुद ये फिनोमिना अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह इट इज़ आल्सो कैरिड आउट टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट ऑफ द सर्टन ड्रग्स। ये अमूमन हम रिड्यूस करने के, बल्कनेस रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये फिनोमिनाज, डेट कैन बी इजीली एडमिनिस्ट्रेट, ताकि वो इजीली एडमिनिस्ट्रेट हो सके, ज़्यादा बल्क वाली अमाउंट उसको एडमिनिस्ट करने में मुश्किल पैदा हो रही है, तो रिड्यूस करने के बल्कनेस, किसी भी बल्कनेस एंड वेट ऑफ सर्टन ड्रग्स को रिड्यूस करने के लिए हम अमूमन ये फिनोमिना अप्लाई करते हैं। जनरली ऑन एग्जीक्यूशन अ फाइन पाउडर ऑफ द सब्सटेंस इज ऑब्टेंड। फाइन पाउडर्स में अमूमन पाउडर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पानी से, या फिर नमी उनमें आ जाए तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग को भी इंक्रीज़ करने के लिए, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोसीजर्स अपनाए होते हैं, क्योंकि अगर नमी होगी तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर था, आप लोगों को समझ में आएगा। दो फिनोमिनास हमने किए, दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रिलीज़ होने का, रिमूव होने का जिक्र आया दोनों इसमें, लेकिन एक में हीट प्रोसीजर अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन में, दूसरे में अमोन इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए वो खुद ब खुद रिलीज़ कर रहा होता है, जब उस पर हीट अप्लाई ना भी हो, हीट अप्लाई ना भी हो फिर भी वो वाटर एनवायरनमेंट के साथ अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फिनोमिना अप्लाई करता है, वो है फ्लोरेसेंस, जबकि एग्जीक्यूशन में हीट अप्लाई की जाती है। ठीक है, दोनों फिनोमिनाज अमूमन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटीज़ को, पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाए इन फिनोमिनाज की बेस पर, तो हम एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो तो ये फिनोमिनाज अप्लाई कर लेते हैं हम फॉर्मूलेशन के दौरान में, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के दौरान। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।